से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विश्व कप फाइनल में कुमार धर्मसेना की एक छोटी सी चूक ने न्यूजीलैंड को विजेता बनने से भले ही रोक दिया, मगर अंपायर कुमार धर्मसेना को अपनी गलती पर जरा भी पछतावा नहीं है। एक श्रीलंकाई अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में धर्मसेना ने माना कि विश्व कप फाइनल में उनसे गलती हुई, मगर उन्हें अपने इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। धर्मसेना ने कहा कि लोगों के लिए टीवी पर कई बार रिप्ले देखकर कमेंट करना आसान होता है। जब मैं टीवी रिप्ले देखता हूँ, मुझे ये पता चलता है कि मुझसे निर्णय लेने में गलती हुई, लेकिन मैदान पर हमारे पास टीवी रिप्ले देखने का विकल्प नहीं होता है, और मुझे अपने फैसले पर जरा भी अफसोस या पछतावा नहीं है, बल्कि आईसीसी ने मेरे उस निर्णय के लिए मेरी तारीफ की है। गौरतलब है कि विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन स्टोक को ओवरथ्रो के जरिए नियम के मुताबिक 5 रन मिलने चाहिए थे, और स्टोक्स को नॉन स्ट्राइकर एंड पर होना चाहिए था, मगर कुमार धर्मसेना ने उन्हें ना सिर्फ 6 रन दिए, साथ ही में स्टोक्स ने स्ट्राइक भी ली। इस वजह से इंग्लैंड ने मैच को टाई किया और सुपर ओवर में ज्यादा बाउंड्री लगाने के आधार पर उन्हें चैंपियन घोषित किया गया। कुमार धर्मसेना को इस निर्णय के लिए काफी ट्रोल किया गया। अब धर्मसेना ने अपनी गलती तो मान ली है, मगर अपनी गलती का पछतावा उन्हें अभी भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट स्पोर्ट्स तक।